प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। देश में ग्रामीण इलाकों में रह रहे निवासियों के पास अपना घर हो, ग्रामीणों के कच्चे घर पक्के हों, इसके लिए सरकार द्वारा कई काम शुरू किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके जरिए आज देश भर में ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को फायदा मिल रहा है। हालांकि साल 2015 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में भी लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को अपना घर मिल रहा है। लोगों के पक्के मकान बनवाने के लिए सरकार द्वारा कई आर्थिक सहायता दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांवों में अब तेजी से पक्के मकान बन रहे हैं। खराब मौसम, बर्फीली हवाओं और असामाजिक तत्वों का अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोगों के पास अपना खुद का पक्का घर है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठाकर लोग पक्का घर बनाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना? भारत में आवास की कमी की समस्या गंभीर है। हमारे देश में बड़ी तादाद में लोग या तो बेघर हैं या कच्चे मकानों में रह रहे हैं। तंग गलियों के जर्जर मकानों में आए दिन आगजनी और अन्य तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर स्वच्छ हवा एवं रोशनी के अभाव में लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अनुसार केंद्र सरकार समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1,30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। किसी भी तरह की धांधली से बचने के लिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डाली जाए। योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज। आवेदनकर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास अपना मतदान कार्ड होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास अपना आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पीएम आवास योजना आवेदन फॉर्म भरने के लिए निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन फॉर्म भरते समय सारी बातों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि आपके आवेदन फॉर्म पे किसी भी प्रकार की गलती होगी तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, इसीलिए आवेदन फॉर्म भरते समय उसे अच्छे से पढ़ें। आवेदक के पास अपने सारे असली दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। दस्तावेजों के अभाव में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ऑनलाइन फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करते समय फाइल की साइज पर विशेष ध्यान दें। फॉर्म में अपना ही मोबाइल नंबर डालें जो कि रजिस्टर्ड हो। इससे भविष्य में यदि किसी तरह का बदलाव आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए रखें। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा, उस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी। PMAYG योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार द्वारा पारदर्शी और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, जिसमें वर्ष
2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी कि SECC से डेटा का उपयोग शामिल है। PMAYG लाभार्थियों को चुनने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। SECC 2011 डेटा का उपयोग करके लाभार्थियों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। इस लिस्ट में अधिक जरूरतमंद लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए ग्राम सभाओं को लिस्ट भेजी जाएगी। वेरिफिकेशन के अनुसार एक अंतिम PMAY लाभार्थी लिस्ट बनाई जाएगी और जारी की जाएगी। अंत में वार्षिक लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के लिए फॉर्म पंचायत कार्यालय से ही आपको मिल जाएगा।